नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दो अफसरों को सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दोनों जासूसों को करोलबाग में सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेते समय पकड़ा गया, जिसके बाद आईएसआई के हुक्म पर काम करने वाले इन दोनों जासूसों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के दो अफसरों को सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों जासूसों को करोलबाग में सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेते समय रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद आईएसआई के हुक्म पर काम करने वाले इन दोनों जासूसों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। तो दो जासूसों को पकड़ा गया है, ऑडियो वीडियो सबूत सब हैं इनके खिलाफ। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया जब ये इंफॉर्मेशन ले रहे थे, जरूरी डॉक्यूमेंट ले रहे थे करोलबाग में। उसी दौरान इंटेलिजेंस टीम ने इन्हें पकड़ा। रविवार को इन जासूसों को करोलबाग में पकड़ा गया। इनका नाम है आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर। इन दोनों को अब वापस भेज दिया गया है। दो ये जासूस हैं आईएसआई के, सेना के कई दस्तावेज भी इनके पास से बरामद हुए हैं। तो यह तस्वीर रविवार 31 मई की है, जब दोनों जासूसों को करोलबाग में बुलाया गया था, जहां इन्हें ट्रैप करके पकड़ा गया। आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दो पाकिस्तानी जासूस हैं जिन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। इन्हें ट्रैप में फंसाया गया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको वापस भेज दिया गया है। तो पाकिस्तान का स्पाई नेटवर्क जो काम कर रहा था भारत में, उसको अब पकड़ लिया गया और वापस पाकिस्तान इन दोनों को भेज दिया गया है। इस तस्वीर में आपको मोहम्मद ताहिर दिख रहा है, जो पाकिस्तानी जासूस है और ये इंफॉर्मेशन, जरूरी डॉक्यूमेंट ले रहा था, जिस दौरान इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान का यह जासूसी नेटवर्क डिकोड हुआ। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के बाद ही आईएसआई ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उसी वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस को आईएसआई के स्पाई नेटवर्क की खबर मिल गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने फर्जी पहचान के साथ पिछले 15 महीने से आबिद ताहिर से कई बार मीटिंग की। पाकिस्तानी जासूसों से दिल्ली कैंट, साउथ ब्लॉक जैसे इलाकों में मीटिंग की गई, ताकि उन्हें पूरा भरोसा हो जाए। इसके अलावा सफदरजंग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, नई दिल्ली, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी जासूसों से मीटिंग हुई। 31 मई को पूरा ट्रैप बिछाकर आईएसआई के जासूसों को करोलबाग के गफ्फार मार्केट में बुलाया गया था। आबिद ताहिर ड्राइवर जावेद गफ्फार मार्केट पहुंचे। करोलबाग के एक रेस्टोरेंट में आबिद ताहिर से मीटिंग हुई। इसी वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल सेल की टीम पहुंच गई। दोनों जासूस भागने लगे। इसी झड़प में कार का शीशा भी टूटा। रंगे हाथ पकड़े जाने पर दोनों जासूसों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फर्जी पहचान के साथ एक शख्स को, पाकिस्तानी जासूस आबिद हुसैन को, ट्रैप करने के मिशन पर लगाया, जिसने आबिद से फोन पर बात की। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी जासूस कैसे आर्मी ऑफिशियल्स को टारगेट करते थे। मैंने अखिलेश सिंह यादव से लिया था नंबर आपका। 1705 एफपीओ में तो नहीं रहे आप महाजन में? नहीं सर, मैं पहली बार आया सर, ये मेरा पहला यूनिट है सर। अच्छा, जो पहला यूनिट है। अच्छा, एक्चुअली मेरा फ्रेंड था आए, तो मैंने कहा, वो भी वेस्ट बंगाल का ही था, तो ऐसे जब बात हुई ना मेरी यादव से, तो इसने बोला कि हमारे पास भी वेस्ट बंगाल कर आए हैं। तो मैंने कहा शायद ये वही मेरा फ्रेंड ना हो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना संपर्क करके, तो फिर मैं कहा आपसे वार्तालाप कर लेता हूँ, ताकि पता चल जाए कि मेरा फ्रेंड तो नहीं है। नहीं नहीं सर, वो आप उधर नहीं रहे हैं? नहीं नहीं सर, अखिलेश सर को थोड़ा पता होगा सर, वो पुराने हैं सर, हम तो अभी आए। अच्छा, नहीं नहीं, मैंने कहा कि शायद मेरा फ्रेंड आप राय, मैं कहा शायद वो वाला मेरा फ्रेंड राय आप ना हो। हाँ जी, कोई यानी कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा, कोई भी यहाँ हो तो मैं यहाँ पर होता हूँ मंत्री बीबीएम लाल में, कोई दिक्कत हो तो कभी संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नहीं रखा रहा है भाई? नहीं सर, यहाँ व्हाट्सएप तो नहीं चलाने देते है ना सर, तो ये नंबर है सर? नहीं, हमें तो अलाउ है। हाँ जी, हमें तो अलाउ है, बंद तो नहीं किसी ने किया? नहीं नहीं सर, हमारे खिलाफ कभी अर्ली सर्विस होगी इसलिए? नहीं सर, लाइन में चेक करते हैं सर। अल्लाह।
लाइन में तो ये प्रॉब्लम होती है। चले कोई दिक्कत नहीं है, और छुप छुपा के रखना पड़ता है ना, फिर ऐसे ही हो जाता है। चले कभी समय निकाले आप, बाहर मुलाकात करते हैं आपसे। ठीक है सर। हाँ।